अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं ये पास्ता कलरफुल सेवइयां दूध के अंदर। और हमने जिसके लिए ये दूध लिया है, अल्पस का दूध लिया है हमने 1 किलो। और अभी हम इसे उबाला देंगे और फिर उसके बाद हम बताते हैं आपको सेवइयां किस टाइम पे इसमें डालनी है और चीनी किस टाइम पे डालनी है, ये हम आपको बताते हैं। अभी हम इसे थोड़ा सा उबाइल करेंगे। और ये मेरे हाथ में अपना ये 6 दाने इलायची के हैं, ये हम इसमें शामिल कर देंगे साथ ही। और अब इसे जोश दिलवाएंगे और इसे अच्छे तरीके से थोड़ा सा उबाइल दिलवाएंगे, जोश दिलवाएंगे। उसके बाद हम सेवइयां इसमें डालेंगे। ये देखें, इसके उबाले पड़ गए हैं। अब हम ये सेवइयां इसमें डाल देंगे और फौरन ही इसको चलाते रहना है ताकि नीचे से ये चिपक ना जाए। और धीमी आंच पे पकाना है। धीमी आंच हम इसलिए बोलते हैं कि उसमें एक तो चीज़ भी अच्छी बन जाती है और लगती भी नहीं है, नीचे से जलती भी नहीं है। इस वजह से आपको बताते हैं कि हम थोड़ा सा धीमी आंच पे पकाते हैं इसको। अब हमने इसको हला दिया है, हर 2-3 मिनट के बाद जो है इसको हलाना है आपने और धीमी आंच पे पकाना है। ये देखें, नीचे से लगी नहीं है बिल्कुल। ये देखें, हम चलाते जा रहे हैं चम्मच वक्फे वक्फे से। ये बहुत अच्छी बनती हैं सेवइयां। इसमें चाहें तो आप सादी सेवइयां भी शामिल कर सकते हैं। मैं आपको शीर कोरमा भी बताऊंगी जो देसी घी में बनता है। ये देखें, जब इस कंडीशन में आ जाए, इतनी थिक हो जाए सेवइयां और सेवइयां बिल्कुल गल गई हैं, ये पास्ता सेवइयां। अब हमने ये चीनी ली है और ये 3.5 चम्मच है खाने के, जो हम इसमें शामिल करेंगे। ये चीनी बिल्कुल मुनासिब है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप 4-5 भी ले सकते हैं। अब हमने इसमें ये चीनी शामिल कर दी है। देखिए, हमारी मीठी पास्ता सेवइयां तैयार हैं। आप ज़रूर बनाइएगा। अगर आपने ड्राई फ्रूट डालना है तो आप ड्राई फ्रूट भी उस वक्त डाल के इसके साथ पका सकते हैं, या अलग से ऊपर बारीक बारीक चूरा करके भी आप इसमें डाल सकते हैं। पिस्ता बादाम या साबुत भी आप डाल सकते हैं, जिस तरह आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से डाल सकते हैं ड्राई फ्रूट इसमें। और ये ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़े की हैं सेवइयां, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा।